माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर। मतलब हमारे पास अगर प्लेन मिरर होता है, ठीक है, तो उससे इमेज कैसे बनती है। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो, लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ इमेज बनने के लिए एक कंडीशन होती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मिनिमम टू रेज आप उसमें क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये, तभी इमेज क्या होती है, बनती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, प्लेन मिरर बोल रहा है। तो देखिए, जैसे आप डेली अपने कांच में देखते हो चेहरा, ठीक है, तो आपका जो घरों में जो नॉर्मल कांच होता है वही एक तरह से क्या है, प्लेन मिरर होता है। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए मेरे पास एक कांच है, ठीक है, इसमें हम करते क्या है, ध्यान दीजिए, इस कांच के बैक साइड में, कहाँ पे, बैक साइड में हम एल्यूमिनियम और सिल्वर, ठीक है, कोई भी मान लीजिए चीज़, ठीक है, उसका कुछ पार्ट बहुत कम अमाउंट में हम क्या करते हैं, पीछे क्या करते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में क्या करते हैं, जमा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम लिया है ना, और मैंने क्या लिया, चांदी ली, कुछ भी लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज़ लीजिए आप, और उनको मैंने क्या किया, मिक्स किया ही सॉल्यूशन के अंदर, और पीछे मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो इससे हम बोलते हैं कोटेड, बैक साइडेड इनकी क्या होती है, कोटेड होती है। ठीक है, तो देखिए अब इस ये जो मिरर होता है इसको हम सिंबल की फॉर्म में हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हमेशा कि हमने क्या ड्रॉ की, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, हमने क्या ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, और पीछे हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन्स। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्लेन मिरर। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों ध्यान देना हमेशा कि जो प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा। ठीक है, दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ध्यान दीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन खड़ा है, मान लीजिए ये मिरर है, ये मेरे पास क्या है, प्लेन मिरर है, और इसके फ्रंट में कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होती है मिरर की किससे, पर्सन से, मान लीजिए मिरर हो गया, ये आपका क्या है, पर्सन हो गया, डिस्टेंस मान लीजिए इसको मैंने क्या माना, यू, तो जितना डिस्टेंस यहाँ होता है उतना ही डिस्टेंस कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, और इस पॉइंट के ऊपर आपको उस पर्सन की क्या नज़र आएगी, इमेज नज़र आएगी। कब, जब ये पर्सन क्या रहे, रेस्ट पे रहे, ये ज़रूरी है, कंडीशन है ये कि ये पर्सन किस पे रहे, रेस्ट पे रहे। तो जितना बाहर आप, जितना दूर आप मिरर से रहोगे उतना ही अंदर आपकी क्या होगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मैंने जो बोले हैं ये पॉइंट्स आपको भूलने नहीं है, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, और ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट क्या है, क्यू है, तो ये ओ पी इक्वल टू में ओ क्यू, ऐसा क्यों हुआ, वाई इज द बोथ डिस्टेंस आर द सेम। तो बच्चों इसके लिए हम एक छोटा सा करेंगे डेरिवेशन, ठीक है, इस डेरिवेशन में हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का आप लिख लेना, ठीक है, जो मैं भी मैंने आपको बोले हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये कंडीशन भी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन का जो मकसद है वो क्या है, पता लग गया, ये दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है अपने को, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करो, एक प्लेन मिरर मानो जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है, और जो मिरर है ये बैक साइड से क्या है, कोटेड है। ठीक है, ये लाइंस का शो करती हैं, कोटिंग को शो करती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लीजिए मेरे पास क्या है, सन है, लाइट सोर्स मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या मानते हैं, थ्योरी में हम मिनिमम दो रेज मानते हैं, कितनी रेज, दो रेज, कि लाइट रे एक तो कहाँ पर इंसिडेंट हुई, एक यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इसको मैंने नाम दिया एक बार पॉइंट ए, क्या नाम दिया, पॉइंट ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे मेरे पास एक और रेज मेरे पास क्या इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे, इसको मैंने नाम क्या दिया, पॉइंट बी मैंने नाम दिया। ठीक है, अब देखिए आपको मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, जब कभी लाइट रे इंसिडेंट होती है सरफेस के ऊपर तो हमेशा हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिसको हम शो किससे करते हैं,
बाय डैशिंग लाइन। और ये नॉर्मल जो होता है ये सरफेस पे हमेशा क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए, इसको मैंने यू बनाया। ओके देखिए ऐसा, तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी क्या ड्रॉ करूँगा, नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब याद कीजिए आपको मैंने कहा था हमेशा कि आफ्टर ड्राइंग नॉर्मल वी कंसिडर वी एज्यूम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इट इज़ द फर्स्ट रे, इट इज़ द सेकेंड रे। ठीक है, तो यहाँ पे रे इंसिडेंट हुई, इसको मैंने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, एक्स। ठीक है, मान लें। फिर देखिए, अब ये लाइट, ये मिरर है, लाइट रे है, तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जब रिफ्लेक्ट हुई तो ध्यान दो, मैंने क्या माना कि लाइट रे कहाँ चली गई, ऐसे आगे चली गई। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए ये लाइट रे यहाँ पे गई। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरे पास एंगल कौन सा है, वाई है, क्या है, वाई। इस लाइट रे का भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये भी इसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एंगल वाई बनेगा। ठीक है, दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, आपको पता है नॉर्मल का मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए मेरे पास ये एन है और मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एन डैश है। तो मैं बात कर रहा हूँ एंगल की, एंगल एन ए बी इक्वल टू में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऐसी एंगल ध्यान दीजिए क्या होगा, एन डैश बी और ए दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो देखिए अगर ये पूरा 90 है, अगर ये पूरा 90 है और ये एक्स है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस एक्स, और ये एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस एक्स, दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आगे देखिए ये वाई है, तो ये वाली जी मेरे पास ये एंगल जो बनेगा ये क्या बनेगा, 90 माइनस वाई, और यहाँ वाला एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए आप ऐसा मान सकते हैं चाहो तो कि ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस वाई, और ये भी एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिए। अभी मैंने क्या बोला, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिए, बायोजोमेट्री इस लाइट रे को, इसको हम कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कहाँ पे आया पॉइंट, यहाँ पे आया। फिर देखिए ये जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट क्या है, बी, यहाँ से भी मैंने क्या ड्रॉ किया, इस लाइट को मैंने कहाँ बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ाया। तो ये जहाँ मिलेंगी ना आपस में, जहाँ पर भी क्या होंगी, मिलेंगी, वहाँ पे क्या बनता है, इस लाइट सोर्स का, इस लाइट सोर्स का बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। दोबारा देखो एक बार, हमने क्या किया, हमारे पास एक लाइट सोर्स था, इससे हमने मिनिमम कितनी लाइटें मानी, दो लाइटें मानी, जो कि सरफेस पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी। फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइटें यहाँ पे आएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ये लाइटें यहाँ पे आएगी और यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो हमने जब इन दोनों रेस को पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, जो पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैंने क्या किया, ध्यान देना, इस पॉइंट एस से मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर जो कि कहाँ मिलेगा, इस आई डैश पे मिलेगा। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया एक्स। ठीक है, चलो ये बात कुछ मान लो, आप ए बी हो गया, तो चलो उसके बाद क्या मान लो, सी मान लो। ठीक है, तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है वो देखना, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एस सी है वही क्या है, एच डैश सी के क्या है, इक्वल है। मतलब मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या है, इमेज है। तो हमें ये दोनों को प्रूफ करना है कि एस सी इक्वल टू में क्या है, सी एस है, सॉरी सी एच डैश है ना, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमेशा बच्चों हम दो ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, कितने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, कौन कौन से लेंगे ध्यान देना, हम लेते हैं हमेशा एक तो कौन सा, एस ए और बी, एस ए और बी। ठीक है, फिर देखिए एक कौन सा लेंगे, एच डैश ए और बी। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा, लेट्स सपोज, एक मिनट रुकिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिया दो ट्रायंगल, एक तो कौन सा लिया, एस ए
बी और एक मैंने कौन सा लिया ट्राइंगल एच डैश ए और बी, ये हमने दो के लिए ट्राइंगल ले लिए। अब देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स में ध्यान देना बच्चों, पॉइंट नंबर ए कि जो साइड है वो कौन सी है ए बी, वो तो हमारे पास क्या है कॉमन है, वो हमारे पास क्या है कॉमन है, ठीक है। और अब बात करते हैं एंगल्स की, किसकी एंगल्स की, ध्यान देना कैसे। मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट ए यहाँ पे था आपको पता है, तो देखिए ये पूरा कितना है 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना है 90 माइनस एक्स है, तो ये पूरा कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा, अपनी दोनों कैसे हैं आमने सामने है, ठीक है। कौन सा वाला ये वाला, ठीक है। ऐसे देखिए ये एंगल कितना है 90 माइनस वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये भी कितना होगा 90 माइनस वाई होगा। देखिए आप खुद देखिए कि भाई मेरे पास जैसे ये ट्रायंगल दोनों कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल ही नहीं है, भाई ये लाइन ऐसी जा रही है ना यूँ, ठीक है, तो दोनों एंगल कैसे होंगे सेम होंगे, ऐसे ये इसकी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टीम हम दो क्या करेंगे, ध्यान सुनना, हमारे पास जो दो ट्रायंगल थे एस ए बी और कौन सा एच डैश ए बी, इसमें देखिए आप ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होगा 180 माइनस का एक्स, देख लीजिए आप चाहे गिन लीजिए, देखो ये मेरे पास देखो कितना आएगा 90 माइनस एक्स आएगा, ये एक्स है और ये भी एक्स है, तो एक्स और एक्स टू एक्स एड होंगे किससे माइनस एक्स से, तो कितना होगा माइनस का एक्स, तो जो ऑल ओवर एंगल बनेगा एस ए बी वो कितना बनेगा 180 डिग्री माइनस का एक्स बनेगा। फिर देखिए ये मेरे पास क्या है ट्रायंगल एच डैश ए और बी है, ठीक है, इसमें देखिए ये कितना 90 माइनस एक्स आया और ये मेरे पास कितना आया 90 डिग्री है, तो देखिए एंगल एच डैश ए और जो बी है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है कम्प्लीटली ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का एक्स, ठीक है ये वाला। तो देखिए आप हम ये बोलते हैं कि एंगल एस ए बी इक्वल है किसके एंगल एच डैश ए बी के, दोनों एंगल कितने बनेंगे दोनों एंगल कितने रहेंगे 180 डिग्री माइनस का एक्स हो जाएगा। फिर देखिए पॉइंट नंबर सी, ध्यान दीजिए ट्रायंगल एस ए बी में देखिए ये वाला एंगल देखो आप 90 माइनस वाई, मतलब एंगल एस बी ए कितना है 90 माइनस का वाई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो आप एच डैश ए बी में देखिए आप एच डैश बी जो ए है वो कितना है 90 माइनस वाई है, तो एंगल एच डैश बी और ए, तो आप बच्चों ध्यान देना ये तो क्या बन गया साइड का रूल, ये क्या बन जाएगा एंगल का रूल, ये भी क्या बन गया एंगल का रूल। तो आप ये बोलते हो कि एएसए नियम से एएसए लॉ से ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों मेरे पास क्या है ट्रायंगल है ये क्या हो गए कॉन्करेंट हो गए या इक्वल हो गए, ठीक है। तो आपको पता है अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो देखिए हम जब ट्रायंगल लेंगे इसमें कौन सा एस सी ए, इसी तरीके से आप क्या लोगे ट्रायंगल एस सी ए लोगे और ट्रायंगल कौन सा लोगे एच डैश सी ए, एच डैश सी ए, तो ये भी कैसे होंगे बाद में कॉन्करेंट पाए जाएंगे सेम फिनोमेना के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्करेंट होते हैं तो उनका एवरी पार्ट क्या होता है इक्वल होता है। तो ये मेरे पास जैसे ही एस सी ए ट्रायंगल और एच डैश सी ए ट्रायंगल कॉन्करेंट होंगे तो उनका एवरी पार्ट क्या होगा इक्वल होगा। तो देखिए ये तो मेरे पास क्या होगी कॉमन साइड हो गई, क्या होगी मेरे पास कॉमन साइड हो गई, ठीक है कॉमन साइड, और ये जो डिस्टेंस है एस सी किसके इक्वल हो जाएगी सी एच डैश के, ठीक है। तो हमेशा भूल मत जाना कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है उतनी इमेज क्या बनती है अंदर बनती है, तो ये जो इमेज जो करना पड़ता है किसमें करना पड़ता है अंडर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द इन द प्लेन मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर और मिरर होता क्या है, ठीक है, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर हम सब पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।